लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल अब ये सोच विचार करने में लग चुके हैं कि आखिरकार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए या अकेले दम पर हुंकार भरी जाए। और इसी कड़ी में आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी कि मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार चल रही है। पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, लेकिन उसकी आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। इससे पहले आपको बता दें कि भिवानी पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने यहां पर ऐलान कर दिया कि उनके सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले। दूसरी तरफ बात करें तो 4.5 साल में दुष्यंत चौटाला के पास 10 भारी भरकम महकमे थे हरियाणा सरकार में, और इन 10 भारी भरकम मंत्रालय के चलते वो तमाम विकास की गाथाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहते नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। पार्टी का समझौता हुआ है, एक टिकट दी गई है। एक चीज तो मैं इस समझौते से मान सकता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता हूँ कि अब सुरजेवाला जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नवीन जिंदल जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा SRK को भी झटका है और पुराने सांसदों को भी झटका है। दुष्यंत जी की पार्टी कितनी टिकट लेगी अगर बीजेपी? देखिए, हम 10 पे अपना काम कर रहे हैं, वो 10 पे अपना काम कर रहे हैं। ये तो अलायंस है, बैठ के चर्चा होकर जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा काम प्राथमिकता के अंदर जहाँ भिवानी लोकसभा, महेंद्रगढ़ लोकसभा के ऊपर है, वही हिसार के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सिरसा पे भी काम कर रहे हैं, और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने लोकसभा के अपने दफ्तर भी खोल दिए। किसान आंदोलन जारी है, तो क्या मानेंगे, क्या इसका समाधान होना चाहिए? समाधान एक ही है, पंजाब हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों पर किसान को MSP देनी शुरू कर दे। किसान समृद्ध होगा तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में इस तरह की कोई बात आएगी। आज पंजाब 2 फसलों पर MSP देती है, हरियाणा उनसे छोटा क्षेत्रफल में होने के बावजूद भी 14 पर देती है और अपने स्टेट हेड से भी पैसा देती है। उसका नतीजा है कि हमारा किसान समृद्ध। दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान था बार बार, वो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि JJP एक भी सीट जीत कर दिखाए तो जो है वो राजनीति की बात करते हैं, तो आपका क्या? चलो, राजनीतिक तौर पर हमने तो ये भी सुना था कि ये हार जाएंगे, जीत गया तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। किसी ने त्यागी? ये तो 5 साल पहले भी यही बात कहा करते थे, एक जीत के दिखाएं और हम 10 जीत के ले आए। ये यही बोलते रहे, एक जीत के दिखाएं, ये 10-50 भी हो जाएगी, किसको पता। सरकार से खुश है दुष्यंत जी पूरी तरह से? मुझे तो लगता है कि हरियाणा का आम जन खुश है, और मैंने तो परसों ये परिभाषा भी दी थी कि MSP हरियाणा के अंदर है मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल, और हमारी सरकार ने 4.25 साल में हरियाणा की जनता को मैक्सिमम सपोर्ट। लेकिन ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं BJP खत्म करना चाहती है, किले गाड़ दी गई हैं, अवरोध लगा दिए हैं, किसानों के ऊपर बौछारें की जा रही है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे प्रदेश के नागरिक को तो नहीं परेशान किया जा रहा। हमारे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए प्रिकॉशनरी कोई पुलिस विभाग ने कदम उठाए हैं तो प्रिकॉशन के तौर पर कि वे प्रदेश की व्यवस्था ना बिगड़े। एक सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि EVM जो है उसको बंद किया जाना चाहिए, EVM में गड़बड़ी होती है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां EVM की बात नहीं आती, आम आदमी पार्टी जीतती EVM की बात नहीं आती। आपको लगता है कि EVM में कोई गड़बड़ी? देखो, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टेस्ट कर लिया है, अलग अलग जगह से भी ये टेस्टेड है, उसके बावजूद भी किसी के मन में कोई संशय है तो जरूर कोर्ट के माध्यम से उसको चेक करवाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद VVPATs भी चेक कराई थी, और इस हर लोकसभा जब मैं चुनाव लड़ा था तो हर राउंड में हम एक मशीन की VVPAT चेक कराते थे। मुझे तो कोई संशय नहीं आया, मगर कई लोगों की एप्रीहेंशन है, क्या पता समय अनुसार वो एप्रीहेंशन सत्य भी हो, और अगर सत्य है तो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन एप्रीहेंशन को दुरुस्त कराना। चर्चा ये भी है कि इनेलो भी गठबंधन में शामिल हो सकती है अभी आखिरी दौर में। किसके साथ? महागठबंधन में कांग्रेस और जो है चौटाला साहब अगर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर तो चौधरी देवीलाल की सोच को मुझे लगता है जो झटका पहले मिला है उससे बड़ा झटका देने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति भी इसी बिना पर हुई थी कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, उसको उजागर करने के मकसद से केजरीवाल जी आए। चलो, ये तो पार्टी लीडरशिप की सोच हो सकती है, अगर वो सोच के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता
कि कभी भी विचारे कमजोर होंगे। जिस दिन विचारों से अलग होकर चलने लगे तो जनता देखती है और फिर जनता उसका जवाब। तो आपने सुना यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पंजाब से भी ज्यादा किसानों को एमएसपी पर जो है उनकी फसल की खरीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की भी बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन जो है वो सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट पर सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, स्वागत है आपका पूरे इस खास कार्यक्रम में। दुष्यंत चौटाला को देखे तो 4.5 साल तक बीजेपी की नैया को वो पार लगाते नजर आए हैं, क्या अब उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी मझधार में छोड़ना चाहती है? देखिए दिनेश, बिल्कुल कहा जाता है कि हर राजनीति में अक्सर देखा भी जाता है कि जो भी फैसले होते हैं, जो भी गठबंधन होते हैं, वो सब मौका परस्ती के होते हैं, और जैसे ही वो वक्त निकल जाता है, मौका निकल जाता है, तो यहाँ पर रास्ते अलग हो जाते हैं। हमने कई बार इसको देखा है कि जब बीजेपी तमाम सारी बातें करती है तो वहीं जम्मू कश्मीर में जाकर एक ऐसी सरकार बनाती है जिनके खिलाफ वो लगातार बातें करते रहे थे। और ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिला कि जहां पर हमने देखा कि जो दुष्यंत चौटाला है उनके साथ में गठबंधन में आते हैं, और दुष्यंत चौटाला वही है जिन्होंने पूरा चुनाव ही बीजेपी के खिलाफ जो है बयानबाजी करके लड़ा था और एक तरीके का माहौल बनाया था। उनको कुछ सीटें मिली, और जब सीटें मिली और बीजेपी के पास सीटें कम हुई तो एक बार फिर दोनों का गठबंधन होता है, सरकार वहां पर बन जाती है जो दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला ने ये जो गठबंधन था क्या वो करके सही किया था, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिटकता हुआ दिखाई पड़ता है, और बीजेपी को ये पता है कि अब उन्होंने जितना इस्तेमाल चौटाला का करना था वो कर लिया, अब जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लगातार खबरें हैं दिनेश जी, वो ये हैं कि 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, किसी भी लेवल पे वो समझौता नहीं चाहती, और ये बात निकल कर सामने आ रही है कि दुष्यंत चौटाला के साथ में कई बार मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई 10 के 10 सीटों पर बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। यानी कि अब यहां से ये मानकर चलिए कि दुष्यंत चौटाला के लिए जो खुला हुआ खेल है वो अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने उनको अब इस्तेमाल करके एक तरीके से हम कहते हैं कि चाय में मक्खी गिर जाती है उस तरह बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह से उनको अब बाहर निकालने का काम कहीं ना करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यानी कि स्पष्ट संकेत है कि या तो आप साथ रहिए या फिर साथ मत रहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोकसभा की एक भी सीट आपको हरियाणा में देने वाले नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां पर दुष्यंत चौटाला के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो जनता से उन्होंने वायदे किए थे, जो जनता से उन्होंने कहा था कि जो सरकार यानी बीजेपी सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है, अगर आप हमें मौका देते हो तो हम आपके लिए काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही ऐसा मौका आता है वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार में बैठ जाते हैं, इसका घनघोर विरोध भी होता है, लेकिन इन सबको ताक पर रखते हुए वो सरकार में शामिल होते हैं। लेकिन देखिए, क्षणिक मात्र का सुख जो है आपको लंबे वक्त के लिए दुख का कारण बन जाता है, तो ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला को बात समझ में आ रही होगी, जबकि लगभग अब विधानसभा चुनाव के दहलीज पे हरियाणा खड़ा हुआ है, उससे पहले लोकसभा चुनाव यहाँ पे होने वाले हैं, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला की जो राह है दिनेश जी, मुझे लगता है यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाली है, और बीजेपी ने उनके साथ जिस तरह से मजाक किया है, छल किया है, उनके लिए अब ये समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने अपना कितना बड़ा घाटा करवा लिया। बिल्कुल, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। अमन जी, दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा में विशेष तौर पर देखा जाता है जाट और नॉन जाट, यानी कि साफ तौर पर जो मध्य हरियाणा है, सोनीपत, झज्जर की, रोहतक की बात कर ले, हिसार, सिरसा की बात कर ले, जींद, जो है ये पूरी जो बेल्ट है ये जाट बेल्ट मानी जाती है। इसमें कहीं ना कहीं हुड्डा जो है और दुष्यंत चौटाला दोनों जाट वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया और इन 10 जिलों से ही कहीं ना कहीं वो तमाम सीटें, 10 सीटें उनको मिली, तो ऐसे में क्या उनके लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? जबकि किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला से काफी लोगों ने यह अपील की कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, गठबंधन से किनारा कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। और अब क्या जाट और नॉन जाट की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त भी ये बात निकल के सामने आई कि आप भाई किसानों का साथ दीजिए, उनका समर्थन कीजिए, जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं आप जो है पार्टी को भी छोड़ते हुए नजर आए, यानी गठबंधन जो उसके भी आप छोड़ते हुए नजर आइए, कुर्सी को त्याग दीजिए, लेकिन दुष्यंत चौटाला लगातार जमे रहे। आपको याद होगा कि राजस्थान के जो आरएलपी के अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी ठीक ऐसा ही किया था कि बीजेपी जिस तरह से किसानों के प्रति अपना रुख दिखा रही थी पहले कह सकते किसान आंदोलन के वक्त में, उस समय उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल ने भी कुछ ऐसा ही किया था, तो कई फैसले आपको दिनेश जी करने पड़ते हैं। दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला ने बिल्कुल
मैं कह रहा हूँ कि कई फैसले आपको करने पड़ते हैं, लेकिन आप जब सिर्फ ये सोचते हो कि चलिए कुर्सी हमें मिल गई, हमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन देखिए ये क्षणिक मात्र की खुशी है, क्षणिक मात्र का ये सुख है कि आपको जो कुर्सी मिली है हमेशा के लिए नहीं मिली है, ये 5 साल के बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा उन्हीं लोगों के पास, जैसा आपने 10 जिलों का नाम गिनवाया उन्हीं लोगों के पास आपको जाकर फिर गुहार लगानी पड़ेगी। यही जो लोग थे जिन्होंने आपको वोट दिया आप सवाल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर जब किसान आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे बात करेंगे कि भाई हम जब मुश्किलों में थे और लगातार MSP से लेकर और तमाम तरह की मांगों को लेकर सरकार के को घेरते हुए नजर आ रहे थे, लगातार हम बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाहते थे दिल्ली, लेकिन हमें जिस तरह से रोका गया और रास्ते में हमारे बैरिकेडिंग की गई, कील उसमें लगाई गई, तो ये हिसाब कौन देगा। तो इस तरह की जब बातें सामने आएंगी दिनेश जी, तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के मेरे ख्याल से के पास कोई जवाब होगा नहीं, और ऐसे में जो वोट बैंक उनका बना हुआ था ऐसा लगा कि दुष्यंत चौटाला की हवा जो है वो हरियाणा में बहने वाली है, लेकिन जिस तरह से चलने से पहले ही वो हवा स्टॉप हुई है, उसके खुद जिम्मेदार जो है वो खुद दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा भी किसान आंदोलन जो अब हुआ है अगर इसको देखते हुए भी वो कोई बड़ा फैसला कर लेते तो शायद उनकी जमीन बच जाती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साधी, ये उनके लिए मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, आगामी लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि किसानों को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, किसानों की फसल की MSP की बात, खरीद की बात करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारों की लड़ाई के लिए 75% रोजगार देने की बात भी करते आए, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की सियासी जमीन को हिला दिया है, इस पर अब बड़ा सस्पेंस बन गया है। दुष्यंत चौटाला के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं। आज चंडीगढ़ में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली है और वहां पर JJP बड़ा ऐलान करने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Next9 News।